एसआरके के बेटे आर्यन खान की एलिजिट गर्लफ्रेंड लरिसा बुनेसी एक बार फिर बना रही हैं हेडलाइंस। आर्यन खान के साथ डेटिंग रूमर्स के बीच ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ उनकी पिक्चर्स ने खींची है लोगों की अटेंशन। क्या सुजैन और आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड है अच्छे दोस्त? हाल ही में आर्यन खान का नाम ब्राजीलियन एक्टर मॉडल लरिसा बुनेसी के साथ लिंक किया गया था। एक वायरल रेडिट पोस्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। ऐसे में जहां सभी आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गए, वहीं अब ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ लरिसा बुनेसी की बॉन्डिंग हर किसी को सरप्राइज कर रही है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त मालूम होते हैं। इन फोटोज को सुजैन खान ने पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पर विद द क्यूटेस्ट नोट। आर्यन की रूमर गर्लफ्रेंड के साथ एक सेल्फी पोस्ट करते हुए सुजैन ने लिखा, यूर अ शाइनी डिस्को बॉल एंड अ ब्यूटीफुल एंजल रैप्ड इनटू वन, सो हैप्पी मीटिंग यू। इसे अपनी स्टोरी पर रीशेयर करते हुए लरिसा बुनेसी ने कैप्शन दिया, सनशाइन इन अ ह्यूमन फॉर्म, अ रियल गॉडेस यू आर, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू एंड व्हाट अ प्लेजर टू शूट समथिंग इनसेनली ब्यूटीफुल टुगेदर। सुजैन खान ने शूट से लरिसा के साथ एक और पिक्चर पोस्ट की एंड रोट, ब्यूटी इज व्हाट ब्यूटी डज एट लरिसा बुनेसी, हैव नॉट मेट अ पर्सन लाइक दिस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसे रीपोस्ट करते हुए लरिसा ने लिखा, ओह माय गॉडेस, आई एम मिसिंग यू सो मच ऑलरेडी। वेल, आर्यन खान की एलिजिट गर्लफ्रेंड लरिसा बुनेसी की सुजैन खान के साथ ये पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, लेकिन फिलहाल आर्यन के साथ उनके डेटिंग रूमर्स ने स्टॉर्म ला दिया है। कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर दोनों ने डीजे मार्टिन गैरिक्स का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ, और जिसका वीडियो भी ऑनलाइन सर्फेस हुआ है। आपको बता दें, लरिसा मूवीज लाइक गो गोवा गॉन और जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की देसी बॉयज के स्पेशल नंबर सुबह होने ना दे में नजर आए हैं। शी हैज आल्सो अपीयर्ड इन सेवरल म्यूजिक वीडियोस लाइक डिम डिम लाइट विद सूरज पंचोली, आर यू कमिंग विद टाइगर श्रॉफ अमंग अदर्स। एयरपोर्ट पर रणवीर सिंह को ओवरकोट और मास्क में देख लोगों के बीच फिर मची खलबली। क्या रणवीर के रीसेंट एयरपोर्ट लुक का डॉन 3 से है कोई कनेक्शन? आखिर क्यों एक बार फिर रणवीर ने खुद का चेहरा मास्क के सहारे किया हुआ हाइड? रणवीर सिंह उन कुछ स्टार्स में से एक हैं जो यूजुअली पैप्स के लिए हैप्पीली पोज और इंटरैक्ट करते दिख जाते हैं, पर एक्टर को जब वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग मुंबई एयरपोर्ट पर क्लिक किया गया तो उन्होंने अपना फेस हाइड कर रखा था। दरअसल रणवीर एयरपोर्ट पर ब्लैक टी शर्ट, पैंट्स और ओवरकोट में पहुंचे थे। उन्होंने कैप और मास्क भी पहना हुआ था। ऐसे में जैसे ही एयरपोर्ट से रणवीर के अपीयरेंस के फुटेज सामने आई, यूजर्स ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि रणवीर डॉन 3 का अपना लुक छुपाने के लिए यहां मास्क में आए हैं। इससे पहले रणवीर सिंह को जामनगर में अंबानी के एक्सटेंडेड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान भी मीडिया कैमरा से अपना फेस हाइड करते देखा गया था। हालांकि वहीं जब उन्होंने म्यूजिकल नाइट में परफॉर्म किया और जिसके वीडियो सामने आए जिसमें वो बियर्ड लुक में थे, तो फैंस थॉट इट वाज हिज डॉन 3 लुक। खैर, अब रणवीर की अपीयरेंस फिर से फैंस को हैरान कर रही है, लेकिन इस दौरान अपने ड्राइवर के साथ रणवीर का जेस्चर लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में उन्हें अपने ड्राइवर को फिस्ट बम्प करते हुए देखा गया। रिपोर्टेडली रणवीर सिंह अब्रॉड के लिए रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक्टर पेटर्निटी लीव पर जाने से पहले अपने सारे वर्क कमिटमेंट्स पूरा कर लेना चाहते हैं। दरअसल रणवीर दीपिका ने कुछ समय पहले अपने फर्स्ट बेबी की अनाउंसमेंट की है जो सितंबर में इस दुनिया में आएगा। ऐसे में रणवीर जो फरहान अख्तर की डॉन 3 के लिए गेयरअप कर रहे हैं, उनका फोकस पूरा काम पर है। बता दें, रणवीर की किटी में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन भी है। इस फिल्म में दीपिका भी उनके साथ है, हु विल बी सीन प्लेइंग अ कॉप शक्ति सिंह।
प्रियंका चोपड़ा के रीसेंट इंडिया विजिट का खास मकसद अब सामने आ चुका है। जब प्रियंका भारत आई थी तो कहा जा रहा था कि उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ काम है, पर सिद्धार्थ चोपड़ा की रोका सेरेमनी की तस्वीरों के साथ ही कह सकते हैं कि देसी गर्ल के विद फैमिली देश में होने का रीजन था थोड़ा पर्सनल भी। प्रियंका चोपड़ा ने इस बार अपनी इंडिया विजिट के दौरान कई इवेंट्स अटेंड किए, साथ ही फैमिली के साथ होली पार्टी भी इंजॉय की। लेकिन इसी के साथ प्रियंका के इंडिया आने की सबसे खास वजह उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा का रोका था। इसकी इनसाइड पिक्चर्स भी अब सामने आ चुकी हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की रोका सेरेमनी एक इंटीमेट अफेयर रही जिसमें सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए। रोका सेरेमनी से सामने आई पिक्चर्स में प्रियंका के बिग फैट फैमिली की झलक मिली। इनमें प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा, कजन मन्नारा चोपड़ा, बेस्ट फ्रेंड तमन्ना दत्त स्पॉट हुए, जबकि ट्रेडिशनल अटायर में प्रियंका, निक और बेबी मालती ने एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर के लिए भी पोस्ट किया। रोका सेरेमनी की ये फोटो सिद्धार्थ और नीलम ने एक ज्वाइंट पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की विद कैप्शन नथिंग विदाउट द फैम हैशटैग एवरीथिंग। इससे पहले कपल ने एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर करते हुए अपना रोका अनाउंस किया था और अपने कुछ कोजी पिक्चर्स की झलक दिखाई। इनमें से एक फोटो में रोका सेरेमनी का स्पेशल केक भी नजर आया जिस पर लिखा था जस्ट रोका फाइड। वेल, प्रियंका ने जहां कपल के पोस्ट पर स्ट्रिंग ऑफ इमोजीज के साथ रिएक्ट किया तो अपने इंस्टा स्टोरीज पर भी उन्होंने कपल को बधाइयां और ब्लेसिंग्स दी, जबकि दूसरी स्टोरी में उन्होंने सिद्धार्थ और नीलम के साथ अपने और निक के पोस्ट करते हुए एक फोटो अपलोड की और लिखा हैप्पी रोका। नीलम उपाध्याय और सिद्धार्थ चोपड़ा के कुछ समय से डेटिंग रूमर्स थे। दोनों ने पहली बार 2019 में अंबानीज की गणेश पूजा में एक साथ पब्लिक अपीयरेंस दी। इसके बाद 2020 में अंबानीज की होली पार्टी में नीलम को सिद्धार्थ चोपड़ा और प्रियंका निक के साथ देखा गया। हालांकि इसके बाद जब सिद्धार्थ नीलम के एंगेज होने की खबरें सामने आई तो उन्होंने न्यूज को रिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें, नीलम उपाध्याय से पहले प्रियंका के ब्रदर का रिश्ता इशिता कुमार के साथ हुआ था और फरवरी 2019 में दोनों के रोके में प्रियंका और निक भी शामिल हुए थे, लेकिन फिर म्यूचुअली सिद्धार्थ और इशिता ने अपने रिश्ते को कॉल ऑफ कर दिया। खैर, अब सिद्धार्थ चोपड़ा ने नीलम उपाध्याय के साथ लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। ऐसे में ये पूरी चोपड़ा फैमिली के लिए बेहद खुशी का पल है, खास करके प्रियंका के लिए, और इसलिए वो अपने हस्बैंड निक जोनस और मालती मेरी के साथ अपने लाडले भाई की खुशियों का हिस्सा बनी है। क्या फाइनली रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण की शूटिंग शुरू हो चुकी है? इस फिल्म के सेट की एक पिक्चर हुई है वायरल, लेकिन क्या फिल्म के अनाउंसमेंट से पहले ही फिल्म की शूटिंग हो चुकी है शुरू? रणबीर कपूर की मच टॉक्ड अबाउट मैग्नम ओपस फिल्म, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसे लेकर खबर आती रहती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग डिले हो रही है। लेकिन अब फिल्म के सेट से एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अब एक सोर्स ने रिवील किया है कि ऐसे नितेश तिवारी ने ऑलरेडी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है और कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं कि एक पूजा सेरेमनी के साथ नितेश तिवारी ने इस फिल्म की शुरुआत कर दी है और रणबीर कपूर बहुत जल्द फिल्म की टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि नितेश तिवारी कुछ जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें राम के बचपन के अवतार को शूट किया जाएगा। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है, नितेश तिवारी विल बी शूटिंग फॉर द चाइल्डहुड पोर्शंस ऑफ लॉर्ड राम वेयर गुरु वशिष्ठ गिव्स लाइफ लेसन्स टू लॉर्ड राम एंड हिज ब्रदर्स। शिशिर शर्मा हैज बीन कास्ट टू प्ले द रोल ऑफ गुरु वशिष्ठ, whereas the names of child artists have been kept under wraps for now. It is a pure and honest take on Ramayan and the makers are being very cautious to do justice to every part that's written in the books. It's a trilogy and the intent is to not just make a visual spectacle but a film that can educate generations to follow. वहीं कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर बहुत जल्द फिल्म की टीम को ज्वाइन करेंगे और उन्होंने ऑलरेडी फिल्म को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अब रिपोर्ट्स आ रही हैं इस ट्रायलॉजी फिल्म के फर्स्ट पार्ट में सुपरस्टार यश, जो कि रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, वो नजर नहीं आएंगे।
दरअसल फिल्म के फर्स्ट पार्ट में रावण का रोल इंक्लूड नहीं किया गया है। वेल, ये एक मैग्नम ओपस फिल्म है और इसे लेकर मेकर्स कोई चांस नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि फिल्म की ज्यादातर डिटेल्स को अंडर रैप रखा गया है। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां की लीड एक्ट्रेस के लिए कटरीना कैफ थी डायरेक्टर अली अब्बास जफर की पहली पसंद। लेकिन कैट ने आखिर क्यों इस फिल्म को करने से कर दिया इनकार? अली अब्बास जफर ने खुद किया इस पर बड़ा खुलासा। अली अब्बास जफर इन दिनों अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर ये फिल्म ईद पर सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है। हाल ही में डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कटरीना कैफ उनकी पहली पसंद थी। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कहा, जब भी वो कोई फिल्म बनाने जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा कटरीना कैफ रहती ही रहती है। बीते कुछ सालों में अली अब्बास जफर की डायरेक्टेड कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कटरीना कैफ लीड रोल में नजर आ चुकी हैं। अली ने अपने इंटरव्यू में कहा, कटरीना इज ऑलवेज ऑन माय माइंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एनी फिल्म। If I don't cast her, she calls and tells me, why aren't you taking me in your film? She said the same this time around too. Whenever I've worked with her, we've always shared a great bond as a director-actor duo. आगे अली ने कटरीना कैफ की जमकर तारीफ भी की। I feel there's a lot of potential in her as an actor. Beat Bharat, मेरे ब्रदर की दुल्हन और टाइगर जिंदा है। She has done some really good work with me. Every time I make a film, the first call I get is from Katrina, where she complains about me not casting her. She often asks, why am I not being offered this film? वैसे हाल ही में कटरीना कैफ ने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर पर रिएक्ट किया था, जिसके जवाब में अली ने एक्ट्रेस से कहा था कि वो सेट पर कटरीना की कमी महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौरान अली ने कटरीना को उनकी अगली फिल्म के लिए तारीख को खाली रखने की भी रिक्वेस्ट की। और अली ने रिवील किया आखिर कटरीना इस फिल्म को क्यों नहीं कर पाई। शी कुडंट डू आवर फिल्म बिकॉज़ शी वाज बिजी विद समथिंग एल्स। आई जस्ट होप दैट शी कीप्स हर डेट्स फ्री फॉर माय नेक्स्ट फिल्म। वेल, अली अब्बास जफर और कटरीना कैफ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसे में ये दोनों फिर से जरूर एक साथ काम करते दिख सकते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस तापसी पन्नू और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मातियास बो की शादी की न्यूज आई थी और अब एक अलेजेड वेडिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां तापसी डांस करते हुए स्टेज की तरफ जा रही हैं और उनका वेलकम ग्रूम स्टेज पर ही कर रहे हैं। ये एक अडोरेबल वीडियो है और इस वीडियो के साथ ही कंफर्म हो गया है कि बहुत करीबी लोगों की मौजूदगी में तापसी ने की शादी और अब तक उन्होंने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए नहीं रखी है कोई पार्टी। एनिमल की ब्लॉकबस्टर कमाई के बाद अब रिपोर्टेडली एक्टर रणबीर कपूर ने एक एक्सपेंसिव कार खरीदी है जिसकी कॉस्ट अराउंड 8 करोड़ है। और रिसेंटली अपनी इस ब्रांडेड न्यू लग्जरी कार को ड्राइव करते हुए रणबीर कपूर मुंबई की स्ट्रीट्स पर हुए स्पॉट।
निकी तंबोली का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस बोल्ड वीडियो शूट में निकी टॉपलेस नजर आई हैं। ऐसे में उनका ये स्टीमी फोटोशूट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के सेट की कुछ अनसीन पिक्चर सोशल मीडिया पर आई हैं। ऐसे में इस पिक्चर में सारा अली खान, विकी कौशल, कटरीना कैफ के साथ अमृता सिंह और वीर पहाड़िया भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबर थी कि सारा अली खान और वीर पहाड़िया डेट कर रहे थे और जाहिर तौर पर इस पिक्चर ने आग में घी डालने का काम जरूर किया है। हॉलीवुड कपल जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक ने खरीदा ईशा अंबानी का घर 494 करोड़ में। खबर है कि जेनिफर और बेन ने जो अल्ट्रा लग्जूरियस मैंशन लॉस एंजलिस में खरीदा है उसे ईशा अंबानी ओन करती हैं।